ये भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं रहती है, सत्संग में जब हमारी रुचि होगी तब श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। अच्छा। उनकी सत्संग में, कथाओं में, तो ये कथा सुनते सुनते भगवान की जब लीला हम सुनेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और कृष्ण जी की कृपा से ही राधा रानी का मार्ग दिखता है। बिल्कुल। और लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, जब लाल जी को गाएंगे तो राधा रानी का प्रेम मिल जाता है। इसीलिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से संतों के दर्शन कराते हैं, उसी संतों की माला में हम आए हैं एक साधक के पास, जिन्होंने अभी अपना संत जीवन, अभी संत नहीं कहें, वो अपने आप को साधक मान रहे हैं। देखिए कितने सुंदर विचार हैं बाबा के कि वह अपने आप को साधक कह के चल रहे हैं। तो सोचा आप तक उनके भाव पहुँचाए जाएँ। आप इसी संतों की माला में जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। चलिए हम मिलते हैं उस साधक से और उनके भाव जानते हैं हम, आप उनके भाव आप तक पहुंचाते हैं। बने रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। राधे राधे। तो अब सबसे पहले तो आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत महाराज जी, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपका जो शुभ नाम जो है वो नाम जानना। अच्युत दास। अच्युत दास बाबा, बरसाना ब्रज में कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? अभी अभी आए, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए बाबा। 2 महीने से पहले कहाँ रहते थे? 2 महीने से पहले महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में थे बाबा। वैसे मैंने सुना है कि श्री जी हर किसी को शरण नहीं देती, बरसाने की बास को आस करें शिव शेष और या की महिमा को कहे या श्याम धरे सके। लेकिन बाबा श्री जी की ऐसी क्या कृपा रही जो बरसाना धाम मिला, ब्रजवास मिला, हर कोई तरसता है? ये भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं रहती है, सत्संग में जब हमारी रुचि होगी तब श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। अच्छा। उनकी सत्संग में, कथाओं में, तो ये कथा सुनते सुनते भगवान की जब लीला हम सुनेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और कृष्ण जी की कृपा से ही राधा रानी का मार्ग दिखता है। बिल्कुल। और लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, जब लाल जी को गाएंगे तो राधा रानी का प्रेम मिल जाता है। इसीलिए जब हम सत्संग से प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आता जाएगा। किसी रसिक का संतों के संग मिल जाएगा, फिर धाम का वास मिल जाएगा। जब हम धाम में रहने लगेंगे तब हमारे अंदर नाम में प्रीति जग जाएगी और जब ये बातें बनती रहेगी, धाम का वास मिल जाएगा, नाम में प्रीति हो जाएगी, तब धीरे धीरे संतों की कृपा से हम श्री जी के धाम में पहुंच जाते हैं और श्री जी की कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। और यहाँ आकर ब्रज में ये ब्रजवासियों की जो भिक्षा है इसकी अलग एक शक्ति रहती है, महिमा है। अच्छा, मतलब भिक्षा जो मधुकरी होती है उसकी भी महिमा है। यहाँ हम धाम में रहेंगे तो ब्रजवासियों की रोटी खाने को मिलेगी। बिल्कुल। तो उसमें जो महिमा गई है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सब व्यवस्था है संत महात्माओं को, लेकिन फिर भी वो घर घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं। क्योंकि आज भी जो स्वयं यहाँ भगवान ने भिक्षा मांगी है तो ये परंपरा जो है अभी भी संत महात्मा चला रहे हैं और इसी से, इस रोटी से जो वैराग्य मिलता है, प्रेम मिलता है। क्योंकि ये ब्रजवासी दिखने में सादे दिखते हैं लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा प्रेम है। आज भी भगवान के लिए अंदर, भगवान के बारे में इनके अंदर इतना प्रेम है कि एक साधु और एक ब्रजवासी दोनों बराबर है। साधु कम बढ़ जाएगा लेकिन ब्रजवासी कम नहीं पड़ती, ऐसा अनुभव हमने यहाँ रहकर आया है श्री जी की कृपा से। और बहुत कुछ बातें हैं, ये रज रानी है, जितना वैराग्य हमें अपने साधन बल से नहीं होगा इतना इस धाम की रज से वो वैराग्य अपने आप हो जाता है। ब्रज रज से? ब्रज रज से। हम जब हमारे महाराष्ट्र में थे तो जो वातावरण रहता है एक, वो वातावरण अलग था। हमारा मन जो था वो बहिर्मुख वृत्ति थी हमारी, अलग था। लेकिन जब से हम ब्रज में आ गए तब से हमारी ऐसी अंतर्मुख वृत्ति हो गई कि बाह्य जो विषयों का आकर्षण रहता है वो आकर्षण एकदम हट गया। ये अलौकिक धाम में हम आ गए ऐसा अंदर से लग रहा है। और
पूरा मतलब अंदर से श्री जी की ओर मन लग रहा है, और अब घर जाने का मन ही नहीं करता, अब ब्रज में रहने का मन कर रहा है, और श्री जी की कृपा से अखंड ब्रजवास हम ले रहे हैं, और ये अंदर से श्री जी ने ही हमको प्रेरणा दी। अब ये सत्संग से हो गया, सिर्फ हमने पहले सत्संग सुना, सत्संग सुनते सुनते ये सब बातें अपने आप होने लगी। बाबा जैसे अगर कोई मनुष्य जीवन में अगर सत्संग सुने तो उसे भी ब्रजवास मिल सकता है? हाँ, केवल एक ही उपाय है इसका, हम संत महात्माओं के मुख से जब श्रीमद् भागवत कथा हो या सत्संग हो, वो धीरे धीरे जैसे सुनेंगे वैसा वो सत्संग हमें सब जो चाहिए पारमार्थिक स्थिति में वो सब अपने आप दे देगा, संतों का संग दे देगा, धाम का वास दे देगा, और श्री जी की कृपा तो धाम में आने के बाद हो ही जाती है, और बिना कृपा से धाम में आता ही नहीं कोई, बिल्कुल नहीं आता श्री जी की। तो अब हर कोई ये कहना चाहता है कि हम गृहस्थी जीवन में रहते हैं, मन जो है भक्ति में नहीं लगता है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में बहुत सी परेशानी भी होती है, तो वो अपने मन को कैसे भक्ति में लगाएं, क्योंकि जॉब भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, भक्ति भी करनी है, तो वो ऐसे क्या करें जिससे उनका मन भक्ति में लगे? पहली तो एक ही बात है कि हम सत्संग सुने। बिल्कुल, अब तो व्यवस्था ऐसी बनी है कि घर घर में मोबाइल है, टीवी है, वहाँ पर हम और ग्रंथ है हमारे पुराने संतों के, तो हम इनके सानिध्य में अपना जीवन जितना समय बिताएंगे धीरे धीरे वो सत्संग से माध्यम से ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान होता जाएगा, और धीरे धीरे घर में रहकर ही हम संतों की जैसा जीवन जी सकते हैं। पुराने बहुत से गृहस्थी संत हो गए हैं, उन्होंने अपना संसार का सांसारिक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी संतों की जैसी स्थिति प्राप्त कर ली, मतलब भगवान को उन्होंने गृहस्थी जीवन में पा लिया। ये सब हो सकता है, केवल भगवान को मन चाहिए, मन से भक्ति करना है, और शरीर हमारा कहीं पर भी रहे, क्योंकि सब ब्रजवासी जब गोपियाँ थी ये गृहस्थी थी, और इन्होंने इतनी बड़ी स्थिति प्राप्त की कि बड़े बड़े योगी इनके चरणों में धूल की रज की कामना करते हैं, उद्धव जी जैसे महात्मा लोग। बिल्कुल, देखिए बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि ये सब जो भक्त कहते हैं हमसे भजन नहीं होता, अरे वो गोपी भी तो गृहस्थी थी जो भगवान कृष्ण को पा गए, जब गोपियाँ पा सकते हैं तो आप अपने ऐसे गृहस्थी जीवन में कैसे भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा हर कोई ये चाहता है राधा रानी से कैसे प्रेम हो, श्री जी की करुणा कैसे मिले? पहले तो हम श्री जी के नाम का जब जप करेंगे, नाम का जप जो है राधा राधा राधा, हाँ केवल राधा राधा, ये जो हम रटेंगे तो ये राधा नाम ही हमें पूरी कृपा श्री जी तक मिलाने की पूरी कृपा ये नाम ही कर सकता है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधार है। और अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि अनेक युगों में अलग अलग साधन रहे हैं, और कलयुग में तो केवल नाम ही है, नाम है कलयुग में तो सिर्फ नाम है बाबा। बाबा हर कोई नहीं आता बरसाना, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि अपने पति, हमारे पति की वजह से हम नहीं आ सकती, जो बरसाना धाम नहीं आ पाते वो घर पर कैसे बरसाना धाम का आनंद प्राप्त करें? वही एक बार यहाँ आओ, यहाँ की रज घर में लेके जाओ। अच्छा। घर नहीं छोड़ सकते तो ये रज में इतनी पावर है, यहाँ की रज संत महात्माओं के जो वचन है उनके आज्ञा का पालन करते हुए हम जब गृहस्थ में रहेंगे तो यही धाम का आनंद उन्हें घर में ही मिल सकता है। बिल्कुल, सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि हमें हमारा मन भगवान में लगाना है, मन। बिल्कुल बाबा, लास्ट एक यही सार है, बिल्कुल सबका सार यही है कि पहले तो हम कोई कई गृहस्थी लोग ऐसे रहते कि सब तो यहाँ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, सब कोई कहते हैं मुझे, मैंने सब थोड़ी आया जाएगा, क्योंकि बहुत समस्या रहती है सब। तो एक ही है, हमारा शरीर कहीं पर भी रहे लेकिन हमारा मन धाम में होना चाहिए। तो मन जब हमारा धाम में रहेगा तो हम धाम में रहने का पुण्य हमें घर में मिल जाएगा। तो वह मन कैसे लगे, जो मूल जो आपने जो कह दिया, मन को कैसे लगाएं धाम में? तो एक ही उपाय है, ये तो दिन में हमारा पूरा तो मन यहाँ एकदम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन हमें दिन में से पहले थोड़ा नियम लेना पड़ेगा, एक घंटा आधा घंटा
ऐसे करते करते धीरे धीरे हम जब समय बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये मन संसार से हटकर श्री जी की ओर लग जाएगा, लग जाएगा। क्योंकि अनेक जन्मों के हमारे संस्कार रहे हैं विषयों की ओर, संसार की ओर, तो वो मन हमारा जल्दी यहाँ लगता नहीं, लगता। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास जब करेंगे तो ये मन लग जाएगा, क्योंकि सच्चा सुख जो आनंद है वो संसार में नहीं है, और तो भगवान के पास ही है, इसीलिए वो मन लग जाएगा, लग जाएगा। अच्छा महाराज, बहुत सुंदर आनंद आया। आप हमारे भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस बहुत छोटे से शब्दों में हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि हमारे सारे भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश तो कोई दे नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं ही अभी साधक हूँ, बिल्कुल संत तो नहीं, बिल्कुल। लेकिन केवल श्री जी का नाम जप करने से, भगवान का नाम जप करने से ही हमें सब स्थिति आ जाएगी, हमारा मन भी लग जाएगा, हमको धाम का वास भी मिल जाएगा, और श्री जी की कृपा, भगवान की कृपा, सब बात केवल नाम से ही हो सकती है। हमारे जीवन में जो प्रगति हो गई, थोड़ी थोड़ी श्री जी की कृपा मिल रही है, वो केवल हम श्री जी का नाम जपते हैं, और ये नाम का प्रभाव से ही ये सब हो रहा है काम। बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर लीला बाबा ने बताई कि घर बैठे भी आप जो नाम से, अपने सबसे पहले आपको अपना मन भक्ति में लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको धाम का वास मिलेगा। श्री जी हर जगह कृपा करती हैं, ऐसा नहीं गृहस्थियों को नहीं करती, श्री जी सब पर कृपा करते हैं। तो देखिए बाबा के मुख से बहुत सुंदर भाव हमने सुने। बाबा ने बहुत, सबसे बड़ी वृंदा महारानी, तुलसी महारानी, रज ब्रजरानी की कृपा, ये सब आपको ब्रजधाम का वास दिला सकती है। तो देखिए कितने सुंदर भाव हमने बाबा के मुख से सुने। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे संतों के भाव तो लाइक कमेंट अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही संतों की माला हम आप तक पहुंचाते रहें। सभी भक्तों को राधे राधे। जय जय श्री राधे।